सो व्हाट इज अप गाइस, मेरा नाम है सौजन्य एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिकली। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइट की, 100, 200 और 400 मीटर की जो स्प्रिंट्स होती हैं और इनको लगाने वाले जो स्प्रिंटर्स होते हैं, इन स्प्रिंटर्स को कौन सी डाइट लेनी होती है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं, क्या चीज़ें डाइट में इंक्लूड करनी होती हैं जिससे कि आपकी स्पीड ज़्यादा बेहतर हो जाए, अगर आप लोगों की सांस फूलती है भागते हुए, अगर आप लोगों की स्पीड नहीं बढ़ पा रही है, अगर आप लोग पावर जनरेट नहीं कर पा रहे हो जब आप लोग स्प्रिंट लगा रहे हो, आपको लगता है कि आप और एफर्ट लगा सकते हो पर लग नहीं रहा, एनर्जी नहीं है, तो आप क्या चीज़ें अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो जिससे कि आपकी जो स्पीड है और जो पावर है स्प्रिंट करते हुए वो इंक्रीज हो। तो इसी के बारे में गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियोस आके भी देखते रहने के लिए। मैं बहुत जल्दी अपना कोर्स भी ला रहा हूँ 100, 200, 400 मीटर के एथलीट्स के लिए जिससे कि आप ज़्यादा बेहतर अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो उस कोर्स की हेल्प से। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना। जब भी कोई कंपटीशन की डेट आएगी किसी भी डिस्ट्रिक्ट मीट की, स्टेट मीट की, तो मैं अपने वहां पर इंस्टाग्राम पे भी अपडेट करूंगा और यूट्यूब पे भी डालूंगा। तो आप लोग इस चैनल के थ्रू अपना करियर रनिंग में बहुत ईजिली बना सकते हो अपडेटेड रहकर और वर्कआउट सीख कर। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस कौन कौन सी चीजें आपको अपनी डाइट में ऐड करनी है और उसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन सी चीजें आपको अवॉइड करनी है। तो अगर मैं ऐड करने की बात करूं तो आप लोगों को अपनी डाइट में ऐड करने हैं सोया सीड्स। आपको किसी भी किराने की दुकान पर मिल जाएंगी, यूजुअली किसी ग्रोसरी शॉप में डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, किराने की दुकान जो होती है वहां पर आपको मिल जाएंगे सोया सीड। उनको आप रात को भिगो के रखो एक मुट्ठी और सुबह सुबह आप उनको वैसे ही खा सकते हो या फिर आप उनको पेस्ट बनाकर किसी दूध में मिलाकर भी पी सकते हो। सोया सीड में गाइस बहुत एनर्जी होती है, वो आपको पावर देगा फास्ट स्प्रिंट करने के लिए, पावर जनरेट, ज़्यादा पावर के लिए आप सोया सीड को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एंड्योरेंस की, जैसे 400 मीटर में बहुत एंड्योरेंस ही होता है, 200 मीटर में लास्ट के 50-60 मीटर खींचना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर मैं एंड्योरेंस की बात करूँ, एंड्योरेंस में आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो स्वीट पोटैटो, जिसको शकरकंदी भी कहते हैं, आप उसको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। उसमें आपको भरपूर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे वो लास्ट के जो 50-60 मीटर होते हैं और 400 में जो लास्ट का 100 मीटर है वो बहुत ज़्यादा डेडली होता है, उसको कवर करने में आपको हेल्प करेंगे। स्वीट पोटैटोज आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। इसके साथ जैसे अभी समर सीज़न आ रहा है, आपको दिन में एटलीस्ट 5-6 लीटर पानी तो पीना ही है यार, क्योंकि समर सीजन में डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। विंटर्स की भी बात करूँ तो भी आपको एटलीस्ट 3 लीटर पानी तो विंटर्स में भी चाहिए ही चाहिए, मगर समर्स की में 5-6 लीटर यार एक एथलीट को, मतलब स्प्रिंटर्स की अगर बात करें तो आपको इतना पानी पीना पड़ेगा। आप बोलोगे पानी तो हमें भी पता है पीना, मगर बहुत लोग पानी इनफ नहीं पीते, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। काफ़ी लोग जो है वो पानी बहुत लिमिटेड अमाउंट में पीते हैं, इसलिए पानी आपको अच्छे खासे अमाउंट में पीना है। वर्कआउट के बीच में थोड़ा थोड़ा आपको सिप लेते रहना है। कुछ कोचेस कहते हैं कि पानी मत पियो वर्कआउट के बीच में, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको थ्रू आउट द वर्कआउट जब भी आपको लगता गला सूख रहा है आपको हल्का सा सिप मार लेना है, एक साथ बहुत सारा नहीं पी जाना पर थोड़ा थोड़ा सिप मारते रहना है, नहीं तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगी, आप बेहोश हो सकते हो और आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं आएगी, आपको क्रैम्प हो सकता है, आपकी मसल क्रैम्प खा सकती है, उससे आपको इंजरी भी हो सकती है। तो ऐसा कोई भी काम आपको नहीं करना है, आपको पानी अच्छे से पीना है। उसके साथ अगर मैं बात करूँ जूसेस, समर सीज़न आ रहा है जैसे, तो अभी इस टाइम पे आप मैंगो खाओ, मैंगो में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मैंगो आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी जो रिकवरी है उसमें। एप्पल, बनाना इज़ द लाइक बेस्ट फ्रेंड फॉर स्प्रिंटर्स। सुबह सुबह अगर आप रनिंग करने जा रहे हो, खाली पेट हो, जस्ट उठे हो, भाई 2 केले खा लो, 2 बनानाज आर इनफ, 2 बनाना आपको आराम से 1.5 से 2 घंटे अच्छे से वर्कआउट करने की एनर्जी दे देंगे। आपके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आप आराम से 1.5 घंटा वर्कआउट कर सकते हो। अगर आप 2 बनाना सुबह, 2 केले अगर आप खा लो रनिंग करने जाने से 15 से 20 मिनट पहले, आप 2 केले खा लो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ये थ्रू आउट द सेशन एनर्जेटिक रखने में, आप थकोगे नहीं। तो बनाना आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें, आप इसको बाद में भी खा सकते हैं दिन में, मतलब मेरा सजेशन है कि आप वर्कआउट से पहले खाएं, जिम जाने से पहले खा लिया 15-20 मिनट पहले, रनिंग जाने से पहले खा लिया 15-20 मिनट पहले, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एनर्जेटिक रखने में। बाकी इसके अलावा भी आप थ्रू आउट द डे कभी भी खा सकते हो। और अगर बात करूँ मैं तो राइस आपको लेना है, ऐसा नहीं है कि राइस कट करना है, आप कोई भी प्रोफेशनल ओलंपियन की भी डाइट देखोगे हल्का सा राइस रहता है, क्योंकि राइस में भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट गाइस बहुत ज़रूरी है कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि जितनी भी एनर्जी प्रोडक्शन है
आपकी बॉडी जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है और फिर उसको रिकवर करती है वो कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू करती है। प्रोटीन का काम होता है मसल्स को रिकवर करना, मसल्स को बनाना, मगर एनर्जी के लिए आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट चाहिए और गुड फैट्स चाहिए। फैट्स की भी बात कर लेते हैं। फैट्स में आपको लेना है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप ओमेगा 3 की जो फिश ऑयल की टैबलेट्स आती हैं वो आप ले सकते हो, और अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको हेल्दी फैट की सोर्सेज लेनी है, जैसे कि काउ मिल्क हो गया। काउ मिल्क में फैट होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता कंपेरेटिवली भैंस के दूध से, पर होता है। वो ऑनेस्टली कहा जाता है इतना हेल्दी नहीं है, बट क्योंकि आप वेजिटेरियन हो तो आपके पास चॉइसेस थोड़ी लिमिटेड होती हैं। उसके साथ आप सरसों का तेल वगैरह अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। आप कोई भी अगर चीज़ खा रहे हो जिसमें आप ऑयल पड़ता है तो आप रिफाइंड ऑयल यूज़ मत करो, आप सरसों का तेल यूज़ करो। काउ मिल्क में फैट का परसेंटेज थोड़ा लो होता है, काउ मिल्क इज़ गुड। भैंस का दूध आप अगर गेनिंग कर रहे हो ऑफ सीजन में, मतलब जब कॉम्पिटिशन नहीं है, कॉम्पिटिशन से 4-5-6 महीने पहले, तो आप भैंस का दूध भी पी सकते हो थोड़ा गेन करने के लिए, जब बाद में आप कट कर लोगे। मगर कॉम्पिटिशन के टाइम पे भैंस का दूध, क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में फैट्स होता है तो इट्स नॉट गुड, थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसलिए काउ मिल्क आप थ्रू आउट द ईयर कभी भी ले सकते हो, काउ मिल्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप वेजिटेरियन हो तो आप सरसों का तेल अपनी डाइट में रख सकते हो, और नॉन वेजिटेरियन हो तो आप ओमेगा 3 की टैबलेट्स लीजिए, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगी आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में, और जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी बोन्स होंगी उतनी ज़्यादा अच्छी आप पावर जनरेट कर पाओगे। उसके साथ अगर मैं बात करूँ सब्जियों में गाइस, आपको अगर ब्रोकली ऐड कर सकते हो, जिन लोगों को नहीं पता है एक तरह की गोभी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बहुत होता है, आपको बहुत हेल्प करेगा। और मैंने आलू आपको पहले बताया दिया, स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी, वो हो गया। उसके साथ आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो गाइस चने आपको बहुत हेल्प करेंगे। काले चने जो होते हैं उनमें बहुत प्रोटीन होता है, आपकी जितनी भी मसल्स आप जिम कर रहे हो, क्योंकि रनिंग जो लोग करते हैं वो जिम भी करते हैं और रनिंग करते हुए भी मसल्स टूटती हैं, तो ऐसे में उन मसल्स को रिकवर करने के लिए चने आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, आप अपनी डाइट में चिकन ऐड करो, अपनी डाइट में फिश ऐड करो, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेंगी रिकवरी के लिए। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट जो मैंने मेरे लाइफस्टाइल में ऐड किया है। गाइस रनिंग वगैरह सब कुछ करते हुए हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा गंदी होती है, ऑफ कोर्स ग्राउंड में ट्रेनिंग करते हैं मिट्टी लग गई है, वही मिट्टी फिर हम बाल सवार रहे हैं तो बालों में लग जाती है, ऐसे में गाइस बाल जो है ख़राब हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिमालयन ऑर्गेनिक्स का मोरक्कन आर्गन शैम्पू। ये गाइस एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, इसमें गाइस द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ मोरिंगा एंड बरिन क्रच, विच मीन्स गाइस अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो ये गाइस आपको हेल्प करेगा आपके हेयर फॉल को स्टॉप करने में और न्यू हेयर्स जनरेट करने में। ये गाइस क्रुएल्टी फ्री है, विच मीन्स इसमें कोई भी एनिमल एक्सट्रैक्ट नहीं है। बहुत सारे शैम्पूज आते हैं जिनमें एनिमल एक्सट्रैक्ट होता है, यानी कि एनिमल का कोई चीज़ मिली होती है, एनिमल्स को मारा जाता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है गाइस। इट इज़ क्रुएल्टी फ्री, इट इज़ ऑल्सो ग्लूटेन फ्री एंड इट इज़ 100% वेगन, विच मीन्स आप अगर वेगन हो और आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं यूज़ करना चाहते जिसमें कोई भी एनिमल या एनिमल का बाय प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है, तो दिस शैम्पू इज़ डेफिनेटली फॉर यू। एंड इट इज़ फॉर्मुलेटेड इन कैनेडा, सो एक बहुत ही ट्रस्टेड कंट्री में ये फॉर्मुलेट होता है, सो यू कैन डेफिनेटली ट्रस्ट दिस शैम्पू। आई हैव बीन यूजिंग दिस फ्रॉम द पास्ट 2-3 वीक्स एंड इट इज़ गिविंग मी गुड रिजल्ट्स, यू कैन सी माई हेयर, आप देख सकते हो मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, एंड इट इज़ द मैजिक ऑफ दिस शैम्पू, सो डेफिनेटली ट्राई दिस आउट इन योर लाइफ स्टाइल। द लिंक टू बाय दिस शैम्पू इज इन द डिस्क्रिप्शन, टू चेक इट आउट। अप्लाई करना गाइस बहुत ईजी है। आफ्टर 30-40 seconds आप अपने हेयर को वॉश करिए, टॉवल से आप अच्छे से अपने हेयर को सुखाइए, उसके बाद आप ड्रायर का यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको वैसे भी छोड़ सकते हैं, इट्स गोना बी गुड। एंड अलॉन्ग विद दैट गाइस मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ हिमालयन ऑर्गेनिक्स प्लांट बेस्ड कोलाजन बिल्डर। दिस हैज द गुडनेस ऑफ ऑरेंज पील, तुलसी, आंवला, green ginger, green tea and so many other ingredients which are going to help you get a glowing skin. Agar aapki skin dry hai ya oily hai, this tablet will help you get a glowing skin. You can take this tablet once every day aur ye aapko help karega better hair growth mein, better nail growth mein bhi. If you are a girl, agar aapki nails ki growth achhi nahi hai, hair ki growth achhi nahi hai, you can take one capsule of this every day and it will help you and give you results in no time. It's again a plant-based tablet, which means if you are a vegan or a vegetarian, you can take this tablet without any concern.
जस्ट अ प्रिकॉशन, इफ यू आर अंडर 18 कंसल्ट अ फिजिशियन फर्स्ट बिफोर टेकिंग दिस, बट इफ यू आर अबव 18 यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस आउट। द लिंक टू बाय दिस प्रोडक्ट्स इज इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट गाइज। सो अब बात करते हैं गाइज, हमें क्या क्या चीजें अपनी डाइट में अवॉइड करनी है, यानी कि नहीं लेनी है। सबसे पहली चीज गाइज जो हमें नहीं लेनी है वो है शुगरी ड्रिंक्स, यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, पेप्सी, कोका कोला, माउंटेन ड्यू, ये सब अपनी डाइट में बिल्कुल नहीं रखना है। ये सब चीज़ें गाइस आपका जो बोन्स हैं उनको वीक कर देती हैं। वीक बोन्स का मतलब पावर जनरेट नहीं होगी। वीक बोन्स का मतलब जब आप तेज स्प्रिंट करोगे आपके शिन में पेन होगा। शिन में अगर आपके पेन होता है कोल्ड ड्रिंक पे, तो आपके शिन में पेन होगा, क्योंकि शिन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जब बोन्स वीक होने लग जाती है अंदर से कोल्ड ड्रिंक्स की वजह से, तो आप तेज नहीं दौड़ सकते, आपकी बॉडी जवाब दे देगी। उसके साथ आपको बहुत ज़्यादा हाई फैट वाली भी चीज़ें इग्नोर करनी है, क्योंकि स्प्रिंटर्स जो होते हैं, रनर्स की जब हम बात करते हैं, स्प्रिंटर्स की 100, 200, 400 वाले, इनकी बॉडी में मसल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, फैट बहुत कम होता है। अगर आप ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खाओगे तो आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा हो जाएगा, आपको स्लो कर देगा। अगर आप कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें भी ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे, चावल, कुछ भी लिमिट में तो खाना ही खाना है, जितना एडुकेट अमाउंट चाहिए उतना तो चाहिए इन एन एडुकेट अमाउंट, मगर उससे ज़्यादा करोगे तो वो भी कार्बोहाइड्रेट फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, आपकी बॉडी में जमने लग जाएगा और आपको स्लो कर देगा। तो आपको गाइस ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना है, एडुकेट खाना है, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना, लिमिटेड अमाउंट में खाना है। और फैट आपको खाना है, गुड फैट्स खाने हैं लिमिटेड अमाउंट में, और फैट्स ज़्यादा नहीं खाने से बाहर का जो तला हुआ खाना होता है, पकोड़े, ये सब, समोसा, जलेबी, ब्रेड पकोड़ा, ये सब नहीं आप खा सकते, क्योंकि ये सब आपको जो है स्लो कर देगा, आपकी बॉडी में जम जाएगा ये फैट, तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्लो कर देगा। प्लस ये मैदा भी ठीक नहीं होगा, इसमें इतना ज़्यादा मैदा लेना अपनी डाइट में, ये चीज़ आपको कम्प्लीटली अवॉइड कर देनी है। इसके साथ मेरी एक प्रोटिप है, जब भी आप सब्जियाँ काटते हो ना, सब्जियाँ काटने से पहले आप धो, वो चलता है, सब्जियाँ काटने के बाद मत धोना। कुछ लोग सब्जियां काटने के बाद धोते हैं, सब्जियां काटने के बाद जब आप धोते हो ना, उसके सारे जो मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, वो बह जाते हैं उसके बाद सिंक में। सब्जियां काटने से पहले धो, काटने के बाद मत धो। तो ये भी बहुत बड़ी लोग गलती करते हैं, सब्जी काट के धो देते हैं, फिर क्या खा रहे हो आप, तो बस पेट भर रहे हो, उसमें कुछ लगेगा नहीं आपकी बॉडी में, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। इसके साथ आपको कोई भी सिंपल कार्ब वाली चीज़ नहीं खानी। सिंपल कार्ब का मतलब है कि ऐसी कोई चीज़ जिसमें फाइबर ना हो, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट हो। ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जैसे कि वाइट ब्रेड वगैरह हो गई, और आपके बिस्किट हो गए जो मैदे वगैरह के होते हैं, ये सब आप अवॉइड करो, क्योंकि ये सब क्या है, आपका पेट भर देते हैं और आपको एनर्जी, मतलब इसमें कुछ आपको मिलेगा नहीं, न्यूट्रिशनल वैल्यू कुछ नहीं मिलेगी, आपका पेट भर देंगे तो आपने मतलब खा लिया और लगा कुछ नहीं। सो इट्स गोना बी अ वेस्ट ऑफ योर टाइम। कि कुछ लोग क्या करते हैं कि ये सब चीज़ें डाइट में जुड़ते हैं, वाइट ब्रेड खाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट इवन ब्राउन ब्रेड भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता, बट स्टिल ट्राई टू अवॉइड वाइट ब्रेड एंड ये जो बिस्किट्स वगैरह आते हैं मैदे के, खाने क्यों है, मतलब मैं तो आई बिलीव आप में तो बहुत लोग खाते भी नहीं होगा, जो लोग सीरियस हो, पर जो लोग खाते हो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको अपनी डाइट में अवॉइड करनी है। पानी प्लीज़ ज़्यादा पियो, कम से कम गर्मियाँ आ रही हैं अब, तो 5 से 6 लीटर पानी आपने पीना ही पीना है। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी आपका डाउट है, क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हो। अगर आप मुझसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 1000 रुपीज़ चार्ज है पर मंथ। एंड अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। एक बार फिर मिलेंगे गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए सी यू।